मतलब माहौल बना हुआ है, सब अपसेट है काफ़ी। सो बेसिकली समर ने एक ऐसी हरकत की है जिसके वजह से मेरा दिल बहुत बुरी तरह दुखा है, और कहीं ना कहीं मेरी मम्मा जो हैं सत्य देवी, उनको बहुत चीज़ें झेलनी पड़ी, तो उस वजह से अब मैं समर से गुस्सा हूँ, एंड दैट इज़ वाई सारा सैड माहौल है। तो आप समर को माफ़ करेंगे? वो तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो मैं बहुत गुस्सा हूँ और मैं समर को उसकी गलतियों के लिए ब्लेम करती हूँ, बट आगे जाकर अगर शायद वो कोशिश करें नहीं करे पता नहीं, बट हो सकता आगे जाके चीज़ें ठीक हो जाए, हो सकता ना अभी। क्या समर को इस बात का गिल्ट है कि उन्होंने कहीं ना कहीं रॉन्ग किया है, या फिर वो इस बात पे एग्री कि नहीं मैं राइट हूँ? समर ने तो कोशिश की है कहने की कि वो सही है, वो मानते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, पर जया ने अपनी आँखों से देखा और अपने कानों से सुना है, तो होता ना आप उसी चीज़ पर भरोसा करते हो जो आप खुद देखते हो खुद सुनते हो। तो मौसम ख़राब हो रहा है और समर बाहर खड़े हैं, नानी बुला रही है, मतलब क्या चल क्या रहा है? होता ये कि मैं इनके घर में आया था, अपने ससुराल में आया था, और अब ससुराल वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तो मेरी भी ईगो है कि घर से निकाल सकते, मोहल्ले से तो नहीं निकाल सकते, तो ठीक उनके घर के सामने वेट कर रहा हूँ कि तुम अंदर लेके जाओगे तो ही अंदर आऊँगा। तो नानी जो है समर से बहुत प्यार करती है, वो समझती है कि जो उनका दामाद है वो अच्छे काम के लिए ये सब कर रहा था, तो इसलिए वो आई मुझे मनाने, बट मैंने उन्हें अंदर भेज दिया। ऐसी क्या सिचुएशन हुई कि आपको घर से बाहर निकालना पड़ा, मतलब क्या? यार वो सिचुएशन के लिए तो तुम्हें शो देखना पड़ेगा ना, मंडे टू फ्राइडे 8:30 ओनली ऑन सोनी। बारिश होने वाली है अभी, आप भीगने वाले, मतलब क्यों ऐसे खुद को कष्ट देने का? देखो बारिश तो मेरे हाथ में नहीं है, मैंने तो नहीं सोचा था कि हो, जैसे अनशन होता है तो समर जो है एक अनशन पे बैठ गया कि अब जया उसे मना ले और अपने घर के अंदर ले जाए, तो अभी जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन यही है कि जया समर को घर के अंदर ले जाए। तो क्या लगता है जया आएंगी मनाने को, मतलब समर को लेके जाएंगी घर के अंदर? तो कहते हैं भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं, लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू भीम, और आगे का कुछ बचाना नहीं था। नहीं, हाँ थैंक यू सो मच।